सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। सुबह की इस वीडियो में एक बार फिर से सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की सूचना आपके सम्मुख सत्यता की पराकाष्ठा पर 100% सच उतर करके आई है। उसके पहले मैं आपको 97 41 13 85, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी टेट सीटेट यूजीसी केवीएस आदि के नोट्स आदि आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा और जो है मतलब आपको तैयारी करने के लिए 100% सच्चा और काबिलियत रखने वाला नोट्स आपको आपका यह प्यारा चैनल उपलब्ध करा रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज जो चीजें आपके सम्मुख आ रही हैं, अब देखिए तो मतलब जो है सोशल मीडिया आदि पे बहुत सारी चीजें वायरल होती है। किसी ने जो है मतलब परीक्षा को टालने की बात करा दी, तो किसी ने कुछ करा दी, किसी ने कुछ करा दी, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है कि परीक्षा आदि को टालना या मतलब किसी भी परीक्षा पर्टिकुलर परीक्षा को के विषय में निर्णय लेना इतना आसान कार्य नहीं होता है। जो सिस्टम एक बार बना दिया जाता है, जो कार्यक्रम एक बार घोषित कर दिया जाता है, उसी कार्यक्रम पर कार्य किया जाता है। और जब मान लीजिए कि बाद में वही परीक्षा को टालने की बात आती है तो पूरा सिस्टम बदलना पड़ता है ना। लेकिन प्रयत्नशीलता और जो है मतलब गंभीरता से इस मुद्दे को उठाना ये जारी है कि हमारे एसआई भाई बहनों को जो एग्जाम देना चाहते हैं 28 तारीख को और यूपी टेट लगभग 21 से 22 लाख आवेदन हुए हैं। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि 21 से 22 लाख आवेदन मामूली आवेदन नहीं होता है, एक बोर्ड परीक्षा के हाई स्कूल के अभ्यर्थियों की तरह इनकी संख्या है ना। तो इतने बड़े लेवल पर किसी भी परीक्षा को कराना और सुचितापूर्ण ढंग से कराना ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो बीएनपी भी इसके लिए जो है तन्मयता से तैयार है, हालांकि वेबसाइट उनकी नहीं चल रही है, काफी सारे विद्यार्थी वो अपना एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाए हैं अभी तक। लेकिन निश्चिंत रहिए, आज 24 तारीख है और जो है मतलब आपका एडमिट कार्ड आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। थोड़ा सा रिलैक्स टाइम में जो है मतलब आप लोग प्रयास किया करिए, आपको एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा और निश्चिंत रहिए इसके लिए। सबसे बड़ी चीज यह है कि मतलब टीजीटी पीजीटी में क्या इस बार मतलब वैकेंसी आएगी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ 100% वैकेंसी आएगी, क्योंकि हमारे विद्यालय में जो है मतलब लेटर आया हुआ है और पदों की आख्या मांगी गई है कि कितने पद हमारे विद्यालय में खाली हैं, किन किन विषयों के, किन किन कैटेगरियों के, ये लेटर हमारे विद्यालय में भी आया हुआ है और माननीय प्रबंधक महोदय द्वारा और माननीय प्रधानाचार्य महोदय द्वारा पदों की आख्या भेजी जा रही है। तो ये आपकी नई वैकेंसी की ही प्रक्रिया है, ठीक है ना। और जब ये सारी चीजें होती है तो उसके एक माह के अंदर ही आपका जो है विज्ञापन वो जारी हो जाता है। तो निश्चिंत रहिए, टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन अवश्य आएगा, क्योंकि मैं भी एक अध्यापक हूं, मैं भी सारी चीजें जानता हूं और आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं, आप लोगों के लिए कार्य कर रहा हूं, तो सारी चीजें जो है स्पष्ट होती हैं। शासन स्तर से लेकर के आपके जो है अधिकारी लेवल तक वो सारे प्रयत्न किए जाते हैं। सॉरी। और आप इस चीज के लिए अपने आप को मोटिवेट करिए और ताकि आपकी तन्मयता, आपकी ईमानदारी, आपकी सक्षमता, ये आपके लक्ष्य के प्रति 100% तक बढ़ जाए। जब 100% तक बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती और एडेड जूनियर हाई स्कूल की नई भर्ती का विज्ञापन की घोषणा बहुत जल्द ही आपके सम्मुख होने वाली है। और ये जान लीजिए, जो भी विद्यार्थी टेट में पास होगा, चाहे वो प्राइमरी लेवल का चाहे जूनियर लेवल का, जो भी विद्यार्थी पास होगा वो आगामी आने वाली सुपर टेट की भर्ती परीक्षा में शामिल होगा। तो पूरी तन्मयता के साथ टेट दीजिएगा, टेट को क्वालिफाई करना है, ठीक है ना।
और मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब मैंने आपको बताया था कि इसी हफ्ते इस बात की सूचना मिल सकती है, तो मैंने देखा था कि सोशल मीडिया पे एक तूफान सा आ गया था। सब लोग कह रहे थे आया सार्थक छाया सार्थक, है ना। तो ये चीजें नहीं, जो चीजें सत्य होती हैं वही चीजें आपको बताई जाती हैं। और आप देख लीजिएगा, बहुत जल्दी ही इन पदों पे घोषणा होने चल रही है आपके लिए, सुपर टेट की जो है मतलब की घोषणा बहुत जल्द होने चल रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। और उसके बाद जो एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती है, अब चूंकि नोटिस जारी होने लगे हैं, कल सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी के विषय में जो है नोटिस जारी हुई थी लोक सेवा आयोग से, बहुत जल्दी आपकी एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन आएगा। कल एक भाई ने हमारे पास जो है व्हाट्सएप पे जो है मतलब मैसेज फॉरवर्ड किया था कि 6,000 पदों पर जो है मतलब भर्ती पैसेंजर की रफ्तार से जो है मतलब बढ़ रही है। पैसेंजर की रफ्तार से नहीं, ये सुपर फास्ट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ रही है, और 6,000 पद पर नहीं 12,994 पदों पर भी भर्ती है, ठीक है ना। तो कम पद नहीं होते हैं, इतने भी पद बहुत ज्यादा होते हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि लगभग 4,500-5,000 पद तो पिछली भर्ती के ही खाली पड़े हुए हैं, है ना। और जो अध्याचन मतलब नए आए हुए हैं वो अध्याचन भी बहुत हैं, और कई विद्यार्थियों ने जो है मतलब टीजीटी 2021 और प्रवक्ता में मतलब सिलेक्शन ले लिया है। कई सारे विद्यार्थियों का चयन अन्य विभागों में हो गया तो वो भी चले गए हैं, तो बहुत सारे पद खाली हो गए थे, कुछ प्रमोशन से पद खाली हो गए हैं, है ना। एलटी ग्रेड के जो शिक्षक थे वो प्रवक्ता लेवल पर जो है मतलब प्रमोट हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसीलिए पदों की संख्या काफी ज्यादा है। आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए पदों का एक अच्छा खासा वेरिएशन देखने के लिए आपको मिलेगा। और जिन भी विषयों में पद हमेशा कम आते रहे हैं, जैसे संगीत हो गया, कृषि हो गया, आपका कॉमर्स हो गया, ठीक है ना, ये सारे जो विषय हैं शारीरिक शिक्षा आदि वगैरह, ये सारे विषयों में आपको एक अच्छा खासा इस बार वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, पूरी तन्मयता के साथ तैयारी में जुटेंगे तभी आप एलटी ग्रेड जो है वो क्लियर कर सकते हैं। एलटी ग्रेड को क्लियर करना इतना आसान कार्य नहीं होता है। एलटी ग्रेड को क्लियर करना मतलब कि मतलब आपको पूरी ईमानदारी, पूरी तन्मयता और अच्छे मटेरियल, ये सारी चीजें चाहिए तभी आप जो है मतलब उसको क्लियर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है मतलब सारी चीजें होनी चाहिए, तो आपको सारी चीजें दिखनी भी चाहिए, है ना, तभी आपकी तैयारी जो है वो एक सुदृढ़ता प्राप्त करेगी, तभी आपकी तैयारी वो सुनिश्चितता प्राप्त करेगी और अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी। तो तैयारी करने में मतलब जो है आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आप सचमुच का जो है मतलब ईमानदारी से प्रयत्न करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और लेखपाल भर्ती परीक्षा में मैंने आपसे कहा था कि 51+ जो मतलब विद्यार्थी हैं वो आराम से जो है मतलब मेंस की तैयारी करें, लेखपाल भर्ती आदि की, वो भर्ती आदि में आपको लगभग 5.5-6 लाख जो है विद्यार्थी उसमें शामिल होंगे। तो आप लोग उसकी तैयारी करिए और जो पूरी तन्मयता के साथ तैयारी करिए। नई एसआई की भर्ती, नई दरोगा भर्ती परीक्षा का फॉर्म आपके सम्मुख बहुत जल्दी ही आएगा, और उसके साथ ही आपको 25,000 कांस्टेबल की भर्ती यूपीपी भी है, बहुत जल्दी ही देखने के लिए अवश्य मिलेगा। तो पूरी तन्मयता के साथ, ईमानदारी के साथ तैयारी करिए। 97-21-47-13-85 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको अगर स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए तो आप इस पे प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, और इस पे मैसेज करिए अपना एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर सहित, और जो है मतलब आपको नोट से प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। आज भी मीटिंग है और आज भी चीजें हो रही हैं, क्योंकि तदर्थों का ऐसा हड्डी जो है चयन बोर्ड और शासन के गले में अटका है कि वो रोज जो है बैठक कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डंडा है ना। तो इनकी प्रक्रियाएं तो शुरू हो चुकी हैं, सारी चीजें हैं, इनको 12 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर के बीच में जो है मतलब विज्ञापन देना है। आप निश्चिंत रहे, विज्ञापन आपका निश्चित आएगा, लेकिन तन्मयता कितनी है, तैयारी कितनी है, ये आप निर्धारित करिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।